वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने देखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लूप के ऊपर। लूप क्या होता है, लूप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और लूप की वर्किंग क्या है और क्या क्या इसके कौन कौन से टाइप है, किस किस टाइप के लूप होते हैं। देखिए लूप जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक ही काम को बार बार करने के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। यानी इससे अगर कोई भी काम हमें बार बार करना है तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर मुझे 1 to 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, सपोज 1 यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, इसे मुझे 10 तक प्रिंट कराना है तो मैं अगर विदाउट लूप करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई प्लस 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 आई प्लस प्लस आई। अगेन इसे मैं 10 टाइम लिख दूंगा प्लस प्लस आई प्लस प्लस आई, तो ये हमारा 10 टाइम 1 to 10 पर प्रिंट हो जाएगा। यानी कि पहली बार आई में हमारा 0 है, आई में 0 है और प्लस प्लस आई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस प्लस आई, फिर 3 हो जाएगा। ऐसे ही 10 टाइम हम लिख देंगे तो आई हमारा 10 हो जाएगा। यानी एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं, एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं। और जब हम एक ही काम, जैसे क्या हम इसमें बार बार कर रहे हैं ये भी हम देख लें, तो आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस 1, आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी प्लस प्लस से। यानी कि मैं डिस्क्राइब कर दूं, आई प्लस प्लस का मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी कि आई में एक वैल्यू ऐड हो जानी है। यानी आई अगर 0 है तो 0 प्लस 1 1 हो जाना है यहाँ पे। तो पहली बार आई प्लस प्लस हुआ, आई 1 हो गया, फिर आई में 1 प्लस हुआ, आई 2 हो गया, फिर 1 प्लस हुआ। यानी बार बार ये 1 प्लस हो रहा है और 1 प्लस प्लस हो रहा है और बार बार हम इसे प्रिंट करा रहे हैं, दैट्स वाई हम इस स्टेटमेंट को लूप में डाल देंगे। वैसे लूप में डाल तो देंगे लेकिन लूप है क्या, तो लूप वो चीज, लूप वो कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। एक इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कहां से चलना है और कब तक चलना है, कंडीशन तक, ये बार बार रिपीट होता है और चलता रहता है। 3 तरह के लूप होते हैं। पहला लूप होता है आपका फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल एंड तीसरा होता है डू व्हाइल। पहला आपका फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, थर्ड वन इज डू व्हाइल। डू व्हाइल ये 3 लूप हमारे होते हैं। तीनों के तीनों लूप में एक ही प्रोसेस होता है, एक ही काम होता है। क्या काम होता है इन तीनों में, सबसे पहले लूप में इनिशियलाइजेशन होती है। इनिट, इनिट मतलब कि इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले लूप को इनिशियलाइज करना, यानी कहां से उसे स्टार्ट होना है वो होता है इनिशियलाइजेशन पोर्शन। यानी लूप स्टार्ट कहां से होगा, कहां तक चलना है उसे। नेक्स्ट होता है हमारा कंडीशन और लास्ट वन, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा, यानी कि इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। लूप की 3 फेज हैं, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, सॉरी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैं छोटा सा एक एग्जांपल फॉर का देता हूं, मैं फॉर पे इंक्रीमेंट करता हूं और देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। फॉर लूप जो है, फॉर में भी 3 अलग अलग ये स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। एक छोटा सा प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h void void main, एक वेरिएबल है उसे 10 टाइम चलाना है। i को हम ले लेते हैं, i को हम 10 टाइम चलाते हैं। I equals 1, इंटीजर बनाएंगे हम, इंटीजर I equals 2, what, nothing, मैं I को इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं फिलहाल के लिए, I को इनिशियलाइज हम नहीं करेंगे। तो I एक मैंने वेरिएबल बना लिया, इंटीजर I, सेमीकोलन। इंप्लीमेंट करना है लूप में मुझे, मैं 1 टू 10 तक प्रिंट करा रहा हूं। I कहां से चलेगा, फॉर, सबसे पहले फॉर में इनिशियलाइजेशन होती है। फॉर का सिंटेक्स क्या है, फॉर सिंटेक्स यानी इसका फॉर्मूला क्या है,
फॉर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आईएनआईटी कंडीशन इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये फॉर का पूरा पूरा चलने का तरीका है। पहले इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन चलेगा, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे 1 to 10 पे चलाना, यानी इनिशियलाइजेशन कहां से होनी है, तो 1 से होनी है। आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया हमने फॉर को, कहां तक चलना है यानी हमें ये डिसाइड करना है, हमें ये बताना है कंपाइलर को कि फॉर किस कंडीशन के बाद रुक जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि आई जब तक छोटा है बराबर नहीं होता 10 के, लेस देन और इक्वल्स टू 10। अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जानना है तो आप रिलेशनल ऑपरेटर का लेक्चर YouTube पे देख सकते हैं, इंपल्स टेक्नोलॉजी के चैनल पे रिलेशनल ऑपरेटर भी बताया गया है। कहां से स्टार्ट हुआ है, आई आई वन से स्टार्ट हुआ है, आई जब तक छोटा है बराबर नहीं होता 10 के, और आई क्या हो रहा था, तो आई एक एक बढ़ रहा था, आई प्लस प्लस आई एक एक बढ़ रहा था। मैं एक बार बता दूं कि इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होता है और इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, इनिशियलाइजेशन बार बार नहीं होता। उसके बाद से सेकंड हमारा स्टेटमेंट चलता है, वो होता है कंडीशन। थर्ड लूप की बॉडी होती है, ये तीसरा बॉडी चलता है, फोर्थ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ये 1 time चलता है, उसके बाद से कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट कंडीशन बॉडी इंक्रीमेंट टिल जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक। एक बार से हम चलाते हैं और मुझे आई को प्रिंट कराना है, आई को 10 times प्रिंट कराना है, मुझे 1 to 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। पी आर आई एम टी एफ प्रिंट एफ परसेंटेज डी क्या प्रिंट करना है, इंटीजर किसको, तो आई को, आई को हमने प्रिंट कर लिया, बाकी गेट सी एच मैंने प्रोग्राम को यहीं पे ब्रेक कर दिया। देखते हैं चलता कैसे, I equals to 1, इनिशियलाइजेशन 1 time होती है, I कहां से चला, 1 से चला, 1 is less than 10, yes condition true है, अगर condition true है, 1 छोटा है this से, condition true है, तो ये यहां से सीधे body में आ जाएगा, और body में I को print किया हुआ है, यानी कि क्या print करेगा, 1, इसके just बाद ये चला जाएगा यहां पे, I plus plus हुआ, I 1 से हो गया, 2, 2 10 से छोटा है, yes छोटा है, 2 को प्रिंट कर देगा, ऐसे ही आई प्लस प्लस 3 होगा, 3 छोटा है प्रिंट हो जाएगा, 4 छोटा है प्रिंट हो जाएगा, 5 छोटा है, 6 7 8 9 10 10 जो है वो इन आई जब 10 हो चुका है, 10 10 से छोटा नहीं है, लेकिन एक और कंडीशन है ग्रेट लेस देन और इक्वल से और लगा हुआ है इक्वल्स टू का, यानी कि छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, तो 10 को भी प्रिंट कर देगा। अगली बार आई प्लस प्लस हुआ, आई हो गया 11 नहीं छोटा है और नहीं इक्वल है, दैट्स व्हाई कंडीशन हो गई फॉल्स और ये लूप एग्जिट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या हो गया है, 1 to 10 तक प्रिंट हो गया। यही इटरेशन यही रिपीटेशन ही हमारा लूप कहलाता है, और ये था हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में हमने क्या देखा, तो फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन से 1 time होती है, उसके जस्ट बाद आपको इनिशियलाइजेशन के बाद से कंडीशन चेक करता है, कंडीशन चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी में चला जाता है, बॉडी में जो भी ऑपरेशन है वो इंप्लीमेंट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा अगेन अगेन अगेन, ये सेक्शन चलाता रहेगा। तो ये था फॉर लूप जिसमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने देखा है। इसके बाद मैं इंक्रीमेंट हमने देखा है, मैं इसे डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट कराता हूँ, यानी कि डिक्रीज ऑर्डर में प्रिंट कराता हूँ, कैसे ये डिक्रीज करेगा, यानी कि हम चलाएंगे इस समय 100 से 1 तक हम प्रिंट कराएंगे काउंटिंग, यानी कि हम रिवर्स और उल्टे ऑर्डर में हम प्रिंट कराएंगे। कैसे, फॉर आई कहां से चलेगा, मैंने कहा 100 से 1 तक चलाना है, तो आई कहां से चला, 100 से, आई इक्वल्स टू 100, आई कब तक चलेगा, अब कंडीशन देनी है कि आई को कब तक चलना है, तो आई 1 तक चलेगा, यानी कि आई यानी कि 100 जब तक बड़ा है बराबर नहीं हो, 100 इन आई की वैल्यू जब तक बराबर नहीं हो जाती 1 के तब तक चलना है, और क्या होते रहना है, तो आई को अब क्या होना है, 100 से 99, 99 से 98, 98 से 97, यानी कि हर बार एक एक वैल्यू डिक्रीज होनी है, यानी कि आई को माइनस माइनस होना है, आई को माइनस माइनस होना है। अब
चलेगा कैसे? तो पहले ये चलेगा, दूसरा ये चलेगा, तीसरा बॉडी, फिर ये, फिर ये, 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 ऐसे ये रन करता रहेगा। अब मैंने इसे प्रिंट करा लिया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, आई 100 है, 100 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो ये प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू कितनी थी 100, आई प्रिंट कर दिया 100, फिर आई माइनस माइनस हो गया, आई हो गया 99, 1 से बड़ा है, यस बड़ा है, 99, 98, ऐसे ही वो 1 तक चलेगा और 1 तक प्रिंट कर देगा। तो ये था हमारा फॉर लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। देखिए फॉर लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे बताना था कि फॉर में ये जरूरी नहीं है कि आप इनिशियलाइजेशन यहां पे ही करो, ये मैंडेट नहीं है कि आप इनिशियलाइजेशन यहां पे करो, आप इनिशियलाइजेशन यहां पे भी कर सकते हो। यानी कि फॉर की इनिशियलाइजेशन हम बाहर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑटोमेटिकली ये सेक्शन यहां से ले लेगा और ये रन करने लगेगा। क्लियर है? ऐसे ही आप आई का जो डिक्रीमेंट है आप फॉर की बॉडी बना के, अगर जब तक आप एक लाइन लिखते हो फॉर अपनी लाइन मानता है, अगर एक से ज्यादा लाइन लिखते हो फॉर अपनी लाइन दूसरे को नहीं मानेगा। यानी आई को माइनस माइनस करना है, मैंने ऐसे लिख दिया, फॉर अभी भी चलेगा। तो ये फॉर को पूरा चलाने का तरीका है, फॉर के रन करने का तरीका है। नेक्स्ट एक छोटा सा प्रोसेस, मैं चाहता हूं कि फॉर इनफाइनाइट टाइम तक रन करता रहे, फॉर इनफाइनाइट टाइम तक रन करता रहे, तो हम क्या कर देंगे, फॉर सेमी कॉलन ब्रैकेट क्लोज, अगर आप इसमें वन डालना चाहते हो तो वन डाल दीजिए, मतलब ट्रू, और इसे आप छोड़ दीजिए, ये इनफाइनाइट टाइम तक रन करता रहेगा। तो ये था हमारा फॉर लूप, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या था, तो इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और भी एक छोटा सा प्रोग्राम कर देता हूं, मैं चाहता हूं कि दो दो नंबर छोड़ के प्रिंट करें, यानी वन के बाद दो नंबर छोड़ दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट, आई एम टी इंटीजर, आई इक्वल्स टू वन, फॉर कहां से चलना है, तो वन से चलना है, कहां तक चलना है, आई जब तक छोटा है बराबर नहीं होता 100 तक, और दो दो नंबर छोड़ के प्रिंट करना, यानी कि आई इक्वल्स टू आई प्लस टू, पहली बार आया और प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, सबसे पहले आई का वन है, उसने वन चेक कर लिया, वन इनिशियलाइज कर दिया, वन छोटा है, यस छोटा है, आ गया वन प्रिंट कर दिया, अगली बार वन में टू ऐड हो गया है, यानी थ्री हो गया, थ्री छोटा है, फाइव छोटा है, ऐसे वो प्रिंट करता चला जाएगा। तो आप ऐसे भी इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये नहीं है कि आप प्लस प्लस का इंप्लीमेंट करो, आप डिवीजन का भी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, आई इक्वल्स टू आई डिवाइड बाय टू, अपने आप ही वो तो गलत हो जाएगा डिवाइड करने से, आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वन इंटू टू टू इंटू समथिंग, वो 100 टाइम पे चलता रहेगा, जब तक कंडीशन चल रही है तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। तो ये आज का जो टॉपिक था वो हमारा फॉर लूप पे था, फॉर लूप में कैसे हम इसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगला दूसरे मुझे फॉर में ये भी बताना था कि फॉर की हम नेस्टिंग कैसे करेंगे। नेस्टिंग का मतलब होता है कि फॉर लूप के अंदर ही मैं एक फॉर लूप बना दूं, इसे ही हम नेस्टिंग कहते हैं। तो हम नेस्टिंग कैसे करेंगे, सपोज कि मुझे टेबल प्रिंट कराना है, अभी मैं नेस्टिंग नहीं कर रहा, मैं टेबल प्रिंट करा रहा हूं, टेबल किसी नंबर का, यानी कोई मैं नंबर इनपुट करूं तो उसका टेबल प्रिंट हो जाए। कैसे प्रिंट होगा वो नंबर, मैंने ले लिया इंटीजर एन यू एन, ये नंबर मुझे इनपुट कराना है, और एक ले लिया मैंने लूप चलाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका प्रोसेस ये होता है कि नंबर इंटू वन, नंबर इंटू टू, नंबर इंटू थ्री, नंबर इंटू डॉट डॉट डॉट, नंबर इंटू टेन, हो सकता है वो नंबर टू हो, टू इंटू वन, टू इंटू टू, टू इंटू थ्री, टू इंटू टेन, ऐसे ही प्रिंट करता है। तो मैंने नंबर ले लिया है और वन टू थ्री फोर को करने के लिए मैंने आई ले लिया है। अभी क्या करना है, तो फॉर आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन आर इक्वल्स टू टेन, टेन एंड आई प्लस प्लस, टेबल प्रिंट कराना है मुझे, पी आर आई एन टी एफ, प्रिंट एफ, मैं ज्यूम कर लेता हूं, सॉरी मैंने इनपुट कराने के लिए कहा तो मैं इनपुट ही कर देता हूं, पी आर आई एन टी एफ, प्रिंट एफ, इंटर नंबर टू, प्रिंट
टेबल टेबल स्कैन ऐप स्कैन ऐप स्मॉल में SCAN स्कैनर ठीक है। स्कैनर एक फंक्शन है जो कि वैल्यू रीड करता है, वैल्यू यूजर से इनपुट लेता है। अगर मैंने नंबर इक्वल्स टू टू कर दिया तो ये मैंने एज्यूम किया है ये कंपाइल टाइम वैल्यू मिलेगी, लेकिन यही वैल्यू मैं कंपाइल टाइम में न देके मैं प्रोग्राम को रन करा के इनपुट देना चाहता हूँ। रन टाइम में मैं जो चाहूँ वो वैल्यू इनपुट करूँ, तो मैंने स्कैन फंक्शन का इस्तेमाल किया है। स्कैनर फंक्शन stdio.h हेडर फाइल में इंक्लूडेड है, आप stdio को इंक्लूड करिए और स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल करिए। स्कैनर चलता कैसे है? स्कैनर व्हाट यू वांट टू एंटर, आप क्या डालना चाहते हो, तो मैं इंटीग्रल वैल्यू इनपुट कराऊंगा, मेरा टाइप जो है इंटीग्रल टाइप का है। और क्या करना है स्कैनर को, तो एड्रेस ऑफ नम में इसे रख देना है, नम में रख देना। नम एक वेरिएबल है जिसका अपना एक एड्रेस है, आपने इसमें टू इनपुट किया तो ये जो टू है वो इस एड्रेस पे चला गया, नम पे चला गया। वेरिएबल एक लोकेशन होता है जिसका कुछ नाम होता है, यानी ये उस लोकेशन पे चला गया, इसका नाम है नम। अब क्या करना है, मुझे इसका टेबल प्रिंट कराना है। फॉर आई इक्वल्स टू वन, आई जब तक छोटा है बराबर नहीं होता 10 के, और क्या होता है आई एक बढ़ता है और इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। printf %dmum जो नंबर है आपने इसमें 3 डाला है, 4 डाला है, 2 डाला है, कुछ भी डाला है, into i get ch। जैसे कि मैं इसमें 2 इनपुट कर रहा हूं, मेरा कंपाइलर आया, मेन में आया, नंबर देखा और i देखा, यहां पे नंबर मैंने इनपुट किया हुआ है, printf enter number to print table, यहां पे आया परसेंटेज डी नंबर ले लिया, मैंने यहां देखा इसमें डाल दिया 2। यहां एक लूप चला हुआ है, आई 1 से चला हुआ है 10 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक चलेगा। कंडीशन चेक करनी है लेस है कि ग्रेटर है, तो लेस है, 10 टाइम में चलेगा ही चलेगा। अभी क्या करना है, तो 2 इसमें मैंने इनपुट किया हुआ है, पहली बार आया, आई 1 है, 1 के 10 से छोटा है, ये छोटा है, यानी कि 2 × 1 हो गया, और 2 × 1 यानी 2 प्रिंट कर दिया। फिर आई प्लस प्लस 1 2 × 2 यानी 4, 2 × 3 यानी 6, 2 × समथिंग 2 × समथिंग 2 × 10 यानी कि 20, ये 20 तक प्रिंट कर लेगा। तो ये जो था हमारा फॉर लूप के थ्रू हमने एक टेबल प्रिंट कराया था इसके जो कि आपके स्क्रीन पे है। अभी क्या है कि हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो कि हमारा नेस्टिंग है, और नेस्टिंग में हम क्या करेंगे, फॉर के अंदर फॉर बनाएंगे, यानी एक लूप के अंदर हम लूप बनाएंगे, और लूप के अंदर लूप बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल मैं चाहता हूं कि मैं 2 से 20 तक यानी 2 to 20 तक का मैं टेबल प्रिंट कराऊं, 2 to 20 तक का टेबल, यानी कि सबसे पहले मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा जो कि 2 से 20 तक चले, और दूसरा लूप चलाना पड़ेगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, फिर 3 आया तो 3 से मल्टीप्लाई हो, 4 आया तो 4 से, यानी 2 का टेबल प्रिंट कराना है तो 2 को मुझे 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2। तो ऐसे ही फॉर लूप में हम नेस्टिंग करेंगे। कैसे करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीजर I, J, दोनों चलाना है, एक I ले लिया, J ले लिया और एक नंबर ले लिया, फल I, J कहां से कहां तक चलाना है, बस मैंने ये ले लिया, मुझे 2 से 20 तक चलाना है। फॉर I कहां से चलेगा, 2 से चलेगा, 20 तक लेके चलना है, I जब छोटा है बराबर नहीं होता 20 के, I एक इंक्रीज होता है, 2 फिर 3 फिर 4, पहली बार आया 2 है, फिर प्लस प्लस हुआ 3 हो गया, 3 छोटा है, 4 छोटा है, 20 छोटा है बराबर है, तो ये 20 टाइम चलना ही चलना है। जब वो पहला लूप चले तो क्या हो, तो लूप के अंदर एक और लूप मैंने चला दिया है, फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन ऑर इक्वल्स टू 10, 2 जब आए तो 1 से 10 बार वो मल्टीप्लाई हो, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3 × 6 और एक 10 टाइम मल्टीप्लाई हो और ये प्रिंट करता चला जाए, j एक एक बढ़ता चला जाए, और ये क्या प्रिंट कर दे, तो printf %dij ये प्रिंट कर दे और लाइन को चेंज कर दे, printf/line को चेंज कर दे, get ch। देखिए क्या होना है,
ये क्लोज हो गया और प्रिंट एफ के बाद एक और क्लोजिंग फॉर की हो गई। सबसे पहले आई में टू है, 220 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में आते देखा एक और लूप, वो 1 to 10 तक चला हुआ है। जे 1 है और 1 है और 1 10 से छोटा है और आ गया आई इंटू जे कर दिया। आई में क्या है, 2 है, 2 into 1, 2 into 1 प्रिंट हो गया। फिर जे प्लस प्लस हुआ, जे 2 हो गया, आई 2 है, 2 into 2, 2 into 3, ऐसे 10 टाइम। फिर ये 10 टाइम हो गया, फिर ये 11 हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये इससे बाहर निकलेगा लेकिन इस लूप से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसका कंडीशन अभी ट्रू है। फिर आया आई प्लस प्लस हो गया, आई हो गया 3, 3 छोटा है, 4 छोटा है, 5 छोटा है, 6 छोटा है, सबका 10 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा और ये टेबल प्रिंट कर लेगा। तो ये था नेस्टिंग। कल हम लूप के थ्रू एक छोटा सा पैटर्न प्रिंट कराएंगे। तो कल यानी कि जो भी लेक्चर हम बनाते हैं, तो आई होप कि मैं थोड़ा सा बीच दूँ, लेकिन इसके बाद क्लियर तो मैं लेक्चर जल्दी से अपलोड करूंगा। बाकी और बच्चों का कमेंट आ रहा है कि लेक्चर सर प्लीज अपलोड करिए। तो वैसे इसको पढ़ना है और कोई भी क्वेरी हो तो आपको कमेंट में लिखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।